अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बस एक ही चीज़ पूछते हैं मुझसे, वो है कि टाइम टेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको ऐसा टाइम टेबल मैं दूंगा, लिटरली इट विल नेवर फेल। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें, देखो आपने बहुत सारे टाइम टेबल्स बना रखे होंगे और आपको बहुत सारे बताते होंगे कि ऐसे टाइम टेबल बनाना है, ऐसे बनाना है, लेकिन मैं कौन सा लिख के देता हूँ कि आपका एक भी टाइम टेबल अभी तक फॉलो नहीं हुआ होगा। अब मैं अगर आपको पहली चीज़ ये बताऊँ, सीधे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बी ऑनेस्ट, कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाते हो लाइक वो स्लॉट वाइज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा रखा है कि 6 बजे उठना है, फिर 6:30 से 7 बजे तक मुझे नहाना है या कुछ भी, या फिर नमाज पढ़नी है, या ऐसे मतलब 7 बजे फिर कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है, फिर 7:30 से 9:30 तक मुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिर मतलब स्लॉट वाइज हम बनाते हैं। तो आप ये मान लो, अगर ऐसा ही आप टाइम टेबल बनाते हो तो समझ जाना आप कभी भी इस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज इसके पीछे ये रीजन है। फॉर एग्जांपल, आपने उस टाइम टेबल में ये लिखा है कि मुझे 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। ठीक है, चलो एक हफ्ते के लिए आप कंसिस्टेंट रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप 5:30 उठे तो आपने अपने टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर दिया। हमारा दिमाग बस वही चीज कूपअप करता है जिसमें इसको रेस्ट मिले, ठीक है, जिसमें इसको अच्छा लगे। ठीक है, तो आपने ये सोच लिया चलो आज ही तो उठे, कल से बराबर उठेंगे, चलो कोई बात नहीं। वो कोई बात नहीं हमारा दिमाग ग्रैब करके फिर बात नहीं करते करते वो आप 7 बजे फिर से उठना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा टाइम टेबल बताना है जो आप पे बर्डन भी नहीं बनेगा, एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर कि यू ऑल विल बी एबल टू फॉलो दिस। तो टाइम टेबल बताने से पहले आप एक नोटबुक और पेन लो, मतलब एक ब्लैंक पेज और पेन लो। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको टाइम टेबल, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो अब अगर मैं बात करूं, पहली आपको जो हेडिंग लिखनी है वो है डेली एक्टिविटीज। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 9th में हो, 12th में हो, या एंट्रेंस में हो, मतलब ड्रॉपर्स हो। ठीक है, ये टाइम टेबल हर एक बच्चे के लिए है, ये ऐसा ही नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, ये हर एक बच्चे के लिए टाइम टेबल है। फिर वेरिएशन आपको खुद से लानी पड़ेगी, वो आपको मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप डेली एक्टिविटीज हेडिंग लिखो। तो उसके बाद नंबर 1, देखो 4 चीजें लिखनी है, टोटल 4 चीजें, और कुछ लिखना ही नहीं है। नंबर 1 पे आपको लिखना है स्टडी। ठीक है, तो नंबर 2 पे अगर हम बताएं, मतलब लाइन छोड़ के, आपको लिखना है स्लीप। और नंबर 3 पे अगर हम बताएं, वो रखेंगे क्लासेस, किसी की ऑनलाइन होगी, किसी की ऑफलाइन होगी। ठीक है, और नंबर 4 पे आपको लिखना है रिमेनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, दैट्स ऑल। अब मैं बताऊंगा फर्दर क्या करना है। तो ये तो आपको भी पता है कि दिन में तो हमारे पास 28 आवर्स होते हैं ना। देखो कैसे हाँ कर रहा है, अरे यार नीचे कमेंट में जरूर बोला कि आपने हाँ किया या नहीं। ठीक है, तो 24 आवर्स होते हैं हमारे पास दिन में, अगर किसी को नहीं पता है तो जल दो। ठीक है, 28 नहीं होता। देखो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस से। मैंने इसमें एक रेफरेंस लिया है, फिर आपको कैसे इसको एडजस्ट करना है वो आप तक है, अभी आप ये रफली किसी जगह बना लो। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्लासेस की, लेट अस सपोज किसी बच्चे की क्लासेस होती है 7 घंटे सुबह से लेके किसी भी टाइम तक, मतलब 7 घंटे उसकी क्लासेस चलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ठीक है, तो 7 घंटे तो गए हमारे। तो अब हम बात करते हैं स्लीप। चलो मैं मिनिमम मानता हूँ 6 घंटे इंसान सोता है, मिनिमम या मैक्सिमम, बिकॉज 6 घंटे स्लीप आपके लिए नेसेसरी है, हर एक इंसान के लिए 6 घंटे मिनिमम स्लीप नेसेसरी है। तो 6 घंटे हम स्लीप के साथ रख लेंगे। ठीक है, और 7 और 6 हो गए 13। और उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है स्टडी, जो कि नंबर 1 पे है। तो स्टडी कोई 3 घंटे करेगा, कोई 4 घंटे करेगा, तो मैं रेफरेंस लेता हूं, चलो कोई बच्चा 6 घंटे स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब कितने घंटे रहे? देखो हमारे पास पहले 7 घंटे गए, फिर 6 घंटे गए, और 6 घंटे गए। ठीक है, तो 7, 6, 13 और 6, 19, राइट? और हमारे पास होते हैं 28 आवर्स दिन में, है ना। देखो फिर से कर रहे हैं यार, 24 ही आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास दिन में। तो वहां पे बच गए हमारे पास 5 घंटे। 5 घंटों को आप रखोगे रिमेनिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखी है। अब आप ये बताओगे कि यार ये क्या टाइम टेबल हुआ, क्योंकि ये ऐसा टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना भी आसान रहेगा, और इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे, इससे आप अपने रिलीजन के साथ भी कनेक्टेड रहोगे और अपनी दुनियावी लाइफ के साथ भी कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, मतलब स्टडीज के साथ। तो अब अगर हम बात करें ये जो 5 रिमेनिंग आवर्स हैं, ठीक है, उनमें से पहले 1 घंटा हम रखेंगे नमाज के लिए, मतलब 5 वक्त की नमाज को हार्डली 1 घंटा लगता है, उसमें आप कुरान शरीफ भी पढ़ लोगे। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे 2 घंटे आपका खाना पीना दिन का सब कुछ। ठीक है, लेकिन स्टिल आपके पास 2 आवर्स बचते हैं एज पर दिस डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 घंटे बचते हैं, उसमें आपको सोशल मीडिया चलाना है या आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटी हो वो कर सकते हो, कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व हो गया। और अगर आप ऐसा ही नहीं देखें, देखो आप 6 घंटे नींद भी कर रहे हो, आपके पास 5 घंटे फ्री भी है, तो टोटल घंटे आपके फ्री जो है वो 11 घंटे, बिकॉज नींद भी एक रेस्ट ही है, राइट? तो 11 घंटे आप ऐसे करते हो जिससे आप मतलब वो सुकून में रहते हो, है ना, पढ़ाई से तो कोई सुकून नहीं मिलता आपको, है ना। तो यही बात मैं कहना चाहता था, टाइम टेबल कैसे बनाना है। बाकी देखो, अब कोई 10th का बच्चा है, वो 6 घंटे नहीं लिखेगा पढ़ाई, वो ऑब्वियसली 3 ही घंटे पढ़ेगा, है ना, क्योंकि उसके लिए 3 घंटे काफी है। कंसिस्टेंटली 1 साल वो 10th के 3 घंटे पढ़ेगा तो उसके लिए तो ये काफी है। 9th का बच्चा है वो 2 ही घंटे रखेगा, 11th का बच्चा है वो 4 घंटे रखेगा, 12th का बच्चा है वो 5 घंटे रखेगा। जो हमारे पास एंट्रेंस के बच्चे, वो स्टडी टाइम को 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टाइम टेबल भी पसंद आया होगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना कि इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। ठीक है, इंशाल्लाह मैं मतलब यहां से गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, ये टाइम टेबल फॉलो करोगे सब कुछ सॉर्ट।
ओके सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस शेयर करो हर एक बच्चे के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर।